अस्सलामुअलैकुम कुड़ियो, कैसी हो? ठीक हो? तबीयत सेहत ठीक है? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। अच्छा यार, लाइट जला लूँ। लाइट बंद करके बैठे। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मम्मा पापा की परी हो तो जी जनाब। कैसी हैं माँ? सदके जावे कुड़ियो। अच्छा जी, अपना रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक ठोक दें क्योंकि होता है फ्री में। तो कर दो लाइक, ठोको लाइक क्योंकि होता है फ्री में। अच्छा जी, मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं, उनका जवाब हल्का फुल्का देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले खूबसूरती से बोलें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादातर झगड़े आवाज़ की गलत टून की वजह से होते हैं। गलत टून जब बोलते हैं तो फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, तो कोशिश किया करें कि खूबसूरती से बोलें, वरना खामोश रहें। अपने लहजों में नरमी लाने की कोशिश करें, नरमी से की गई बात असर भी रखती है, लोगों के दिल में आपका मकाम भी बढ़ाती है। जबकि सख्त लहजे में की गई बात दूसरों की अना को भी जगाती है और मामला उलट हो जाता है। कोशिश करें जब बोलें खूबसूरती से बोलें, क्योंकि अल्फाज का चुनाव आपकी शख्सियत की पहचान करवाता है। जो आप बोलते हैं ना, वो आपकी शख्सियत होता है कि आप इसी मिजाज के ऐसे ही हैं भाई। तो ये आपकी शख्सियत की पहचान बनाता है। राबी जी लिखती हैं, कहते हैं मुकाबला, खुद का दूसरों के साथ मुकाबला करना छोड़ दें। सूरज हो या चांद, अपने अपने वक्त पर चमकते हैं, इसलिए आप जैसे भी हैं यकीन करें दूसरा कोई नहीं। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। और यह हकीकत है, इंसान बदलता है वक्त के साथ साथ, बदलता है, ज़रूर बदलता है। उसमें नेचर में भी तब्दीली आती है, चीज़ों में तब्दीली आती है, और बहुत कम लोग होते हैं जो एक मखसूस तरीके से चलते हैं, लेकिन बदलते ज़रूर हैं। बदलाव आता है, हर इंसान में आता है, तो वो बेशक हम खुद ही क्यों नहीं हैं। जी मामा की जान, साइकिल चला रही थी? बाहर बहुत धूप है, गर्मी है, इतना पसीना आ गया आपको? जाओ आए पाओ, जिन वाले भूत देख रही हो ये कुड़ियों, हाय मैंने डरा दिता, मेरा त्राव कड़ा दिता हुरैन ने। अच्छा तो खैर, दिन में जो है जब रिएक्शन बनता है तो ऐसे होता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। सुबह की वीडियो में जो हाल हुआ है वो आप लोगों ने देख लिया, बिहाइंड द कैमरा, कैमरा के पीछे क्या हो रहा था। अच्छा जी, खैर मुल्तान में एक वाकया हुआ है। 19 साल नौजवान अहमद ताहाल लापता, एक हफ्ते बाद भी अहमद का पता ना चल सका। जनाब ये वीडियो, ये पिक्चर है, अगर कोई जानता है इस भाई को, प्लीज़ लाजमी जो है मुल्तान गुलगश्त में आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं। ये लड़का घर से बाहर निकला है, नौजवान 19 साल लड़का है, और जो है ये वापस नहीं आया। कोई लड़ाई नहीं है, कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। तो अहमद इनका नाम है, अभी तक कोई पता नहीं चल सका। तो प्लीज़ जो है, अगर किसी को भी कोई ख़बर मिलती है तो लाजमी मुल्तान गुलगश्त में आप थाना में रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं या इसकी ख़बर दे सकते हैं। इस बच्चे का कोई पता नहीं चल रहा, अभी तक नौजवान बच्चा है जी, घर से कुछ सामान लेने के लिए निकला है और फिर वापस नहीं आया। तो ये खबर देनी थी। अच्छा जी, डक्की भाई के घर में डकैती हुई थी, कोई 20-22 लाख का उन्होंने बताया था। तो वो डकैत जो लड़का था, 21 साल उसकी उम्र है, वो लड़का पकड़ा गया है। फ़ोन वगैरह जो चीज़ें कैमरे वगैरह थे वो सारे रिकवर करवाए गए हैं, और ताहाल वो इस टाइम जेल में है। और इंतज़ामिया DHA जो है, बहरिया जो है, उन्होंने भी कार्रवाई की, और जिस थाने का उन्होंने बताया था कि फ़लाँ थाने में जाके इसके बारे में खुफिया इतला अगर कोई देता है, हम उसका नाम छुपा के रखेंगे, लेकिन ये लड़का हमें पकड़वा के दें। CCTV फुटेज में वो लड़का आ गया था। डकी, जाहिर सी बात है आप लोगों को पता है, एक बहुत बड़ा ब्लॉगर है, नाम है, स्टार है। तो फिर उन्हीं के, मतलब जो थाने के SHO हैं, उन्हीं की ही फैमिली ने
पकड़वा के दिया, उनकी तस्वीरें निकलवा के और वो इश्तहार बांटे ये जो भी किए तो पकड़वा दिया भाई उन्होंने, तो वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था और उसने शुक्रिया भी अदा किया उन लोगों का। अच्छा ज्योति, ज्योति सिस्टर कह रही हैं कि नौशीन जी मेरी भतीजी के घर बेटी हुई है, हमको कॉन्ग्रेचुलेशन दें, और उन्होंने 2-3 दफ़ा बोला है, और उसके लिए दुआ भी करके दें, उसके नसीब अच्छा कर दें। ज्योति सिस्टर बहुत बहुत आप लोगों को पहले तो मुबारक हो, माशाल्लाह माशाल्लाह रहमत आई है आप लोगों के घर में, और अल्लाह ताला उस बच्ची के नेक नसीब करे, नेक करे, लंबी ज़िंदगी वाला करे, और माँ बाप के लिए और अपने फैमिली घर वालों के लिए जो है खुशी का बायस बने और रहमत का बायस बने, और अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, यही दुआ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है शादी के बाद बनने वाले असासों में सबका बीवी को हिस्सा देने का बिल तैयार हो चुका है जी। मुबारक हो, बहुत सारी मुबारक हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरे ख्याल में आई थिंक दूसरे ममालिक में है, शायद इंडिया में भी है, क्योंकि मेरी लाइव में 1-2 दफ़ा सिस्टर्स ने बोला है कि भाई उनके यहाँ ऐसा है, और मैंने बाहर के ममालिक का भी सुना था कि जो शोहर की जायदाद होती है, जिस भी जो बीवी तलाक याफ्ता होती है उसके असासों में, मतलब जो सबका बीवी हो चुकी होती है उसके असासों का, मतलब जो हिस्सा होता है जायदाद का, वो बीवी को भी मिलेगा, क्योंकि गमी में खुशी में बीवी जो है साथ रहती है, फिर बनती है ना ये जायदादें, फिर चीज़ें बनती हैं, तो इसलिए जो है अक्सर लोग जब जायदादें बना लेते हैं बीवियों को साइड पे करते हैं और ख़ुद जो है मौज उड़ाते हैं। तो अब ये बिल पास हो गया है कि जो भी जायदाद का हिस्सा मतलब बनेगा सबका बीवी, तलाक याफ्ता बीवी का, वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उसने दुख सुख साथ देखा होता है उसके, इसलिए। तो ये हमारे पाकिस्तान में बिल नहीं था, अब ये मंजूर हो चुका है। अच्छा जी, परवीन भी कह रही हैं कि नौशीन सिस्टर मेरा ये कहना है कि डीडी जो है नाटक कर रहा है, वो फातिमा के घर के को में शिफ्ट होना चाहता है दूसरी बीवी के साथ, रेंट के पैसे, खाने के पीने के पैसे बचाना चाहता है, बोल तो रहा था डीडी फातिमा इतना बड़े घर में अकेली है, मैं घर बेचकर दूसरा घर लूँगा, ये लोग दूसरों को पागल समझते हैं। तो क्या इनका ये है मतलब कि घर में इसलिए इन लोगों के लड़ाई है, इसलिए चीज़ें हैं। अच्छा, फातिमा भी इशारतन शायद इसलिए ये बात बोल रही थी कि चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, चलो ठीक है मैं नहीं बताती, मैं बात नहीं करती, लेकिन आई थिंक वो यही मामला है कि इनके घर यही लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से ये फिर गोलियां खा के ना हमेशा फातिमा के साथ यही करता है, उससे बात मनवाता है गोली खा के कि भाई बस ठीक है, तू ही मन बस तू ही कुर्बानी दी बकरी है तू ही बकरी है बस कुर्बानी दी, तू ही बस तू ही छुरी थले आ बस हमेशा। तो ये सूरत हाल फिर इसका मतलब है चल रही है, इसलिए जो है तीसरी भी रो रही है, दाड़े भाड़े मार रही है, मैं आपको सफाइयाँ नहीं देना चाहती, देखिए मेरे बाद मैं कभी भी सफाई नहीं दूंगी, मैं सफाइयाँ नहीं देना चाहती, लेकिन वो एड्डी लंबी वीडियो बना के सफाई ही देती है, ब्लॉग नहीं होता वो दे। खैर तो देखें जी, ये तो फिर जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म करेगा ये बंदा, बहुत बड़ा जुल्म करेगा एक ही घर में रख के, ये चीज़ सही नहीं है, ये औरतें मज़ीद पागल हो जाएंगी। कुछ भी हो ना, कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करती, ये इसका दिमाग फिर गया लगता है, पगला गया है ये, अगर ये हरकत वाकई करना चाह रहा है इसी घर में उसी को भी रखना चाह रहा है ना, बहुत बड़ी गंदी हरकत करेगा ये। औरत कभी भी नहीं, देखो आप पीठ पीछे हो ना, दूसरे घर में बैठे हो, या बीच में दीवार है, या ऊपर का पोर्शन है, नीचे एक रहती है ऊपर एक पोर्शन में रहती है, तो वो फिर भी वो आँखों से ओझल होता है, एक आप देखेंगे हर टाइम आँखों के सामने, तो आप अजियत देंगे और बहुत बड़ा गुनाह कमाएंगे। ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप आमने सामने रख सकते हैं बीवियों को, हाँ अगर कोई रहना चाहती है खुद से रहना चाहती है वो अलग बात है, लेकिन ज़बरदस्ती अजियत आप नहीं दे सकते, ये गलत बात है। फिर गोलियां खा के जो है ये इस तरह से फिर ड्रामेबाजी और बात मनवाना, ये फिर बुरी बात है। कंटेंट ठीक है आप बनाना चाह रहे हैं तो, लेकिन ये दोनों ही आपकी वाइफ राज़ी नहीं होंगी, ये याद रखिएगा। खैर चले गाइस, अभी मैं एंड करती हूँ।
थोड़ा सा व्लॉग दिखा के जो है सनिया कहती हैं चलें गाइस, ये अभी एंड हो रहा है, एंड तक फिर सुनिएगा आप लोग भी। कहती है मैं एंड करती हूँ, व्लॉग तो नहीं है पर आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा, आ गया भाई पसंद। कहती कोई ऐसा अल्फाज मेरे पास नहीं जो मैं बोलूँ और मैं अपनी सफाई में रख सकूँ। यहाँ पे सफाई की बात आई है कि मैं सफाई नहीं दूँगी, मैं सफाई में बात नहीं रखूँगी। मेरे पास नहीं है जो मैं बोलूं और मैं अपनी सफाई रख सकूं। जब आप सच्चे होते हैं ना तो किसी बात का डर नहीं होता। बाकी जो है कहते हैं सनिया को तो डीडी की बीमारी का एहसास ही नहीं है, तो उसको उसके गोलियां खाने से फिक्र भी नहीं है। बाय बाय पीले डड्डू, बाय बाय। अच्छा उसके बाद जो है कहती है कि इसको लोग कहते हैं इसको फिक्र नहीं है। ठीक है, शायद इसलिए मेरा ये हाल है, इसलिए व्लॉग नहीं बनाया मैंने, इसलिए मेरे व्लॉग जो है नहीं आए क्योंकि मुझे फिक्र नहीं थी, मुझे जो है मुझसे गलती हो गई। काश मैं उस दौरान वो जब बीमार था और बार बार कुछ बोल रहा था तो वो मैं रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था वो जो भी अल्फाज बोलता रहा है। मैंने कैमरा बंद किया हुआ था, शायद यही मेरी गलती है। कंटेंट तो आप लोग कभी भी ना जाने दें, लेकिन आपने जो है कैमरा बंद रखा, ऐसा बड़ा दुख है भाई। हैं चलाना चाहिए था ना, आप लोग तो जब सर में भी दर्द होता, बीमार भी होते हैं, आंखें नहीं भी खुल रही होती फिर भी दे रहे होते हैं। देखने में आपको कुछ कहना चाहती हूँ, हमें सफाई में कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी आप दिल पे हाथ रख के सुन लीजिएगा, फिर भी आप लोग वीडियो बना रहे होते हैं ये याद रखें। खैर कहती हैं कि शायद मुझे मैंने गलती की, मैंने कैमरा बंद रखा, मुझे कैमरा खुला रखना चाहिए था, मैं अपनी चीज़ें ना बताती, बस वो लगा देती चुपचाप, मतलब अपनी सफाई में कुछ भी ना बोलती और मैं लगा देती चुपचाप वीडियो उसकी। इतना बोलना है, किसी को इतना भी मजबूर नहीं करते कि हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे पे आ गया। फातिमा कहती है मेरे पे इल्ज़ाम आ गया, वो मुझे कहता है तूने एटीएम के लिए वीडियो क्यों बनाई, तुम कहती हो कि तुम पे इल्ज़ाम आ गया। खैर जो इंसान जनाब वो कहती है सर से पांव तक, कहती है जो इंसान सर से पांव तक परेशान होता है, अरे भाई किसने परेशान कर दिया, अरे आपको किसने किन्हें। और जब मैं इनके ब्लॉग देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि दुनिया भर की गमगीन यही है। अरे भाई जब आपको इतना गम है, पहले से ही बीमार गमगीन, फिर अपने आप नो अजाबे फिर पाया क्यों क्यों, वजह नहीं डालना था ना अपने आप को अजाब में इसमें। खैर कहती है कि कहती है कि ये जुल्म है जितना मेरे साथ हुआ है शायद किसी के साथ हुआ हो। इतनी केड़ा जुल्म हो गया भाजी तेरे नाल, मैं तो हैरान हूँ, ये काहे का जुल्म यार, लव मैरिज आप लोगों ने की है, मजे से अपने घर में रह रही, जब आपको पता था कि वो शादीशुदा बच्चे वाला है भाई बहन, फिर रोला डेली रोल, आप रोएंगी ना लोग इरिटेट हो के आपको ही कुट लगाएंगे। अच्छा कहती मैं और कोई बात नहीं करूँगी, अभी इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैंने जो बिल्कुल दुखी देखा ना, मेरा हासा निकल गया। अच्छा फिर कहती है ना मुझे हासा आ रहा है, ना मुझे हंसना आ रहा है, और ना मुझे रोना आ रहा है, सेम मेरी सिचुएशन भी यही है। अच्छा कहती मैंने हर बात की सफाइयां देना छोड़ दी हैं। फिर बोली सफाई। चल झूठी, अभी सारी सफाइयाँ ही तो दे रही थी। मैं तो सफाई समझ के सुन रही थी सारा कुछ कि आप कोई सफाई में बोलेंगी। कहती कि अपनी सफाई देने, अपनी सफाई तो अपने रब को देनी है, ये सुने ज़रा,
मैंने कोई सफाई नहीं देनी है, मैंने अपनी सफाई अपने रब को देनी है और किसी को नहीं देनी। और लोगों से ये जनाब शिकवे भी कर रही हैं, मायूस भी हो रही हैं, हैं तो फिर अल्लाह से करो बातें जनाब। अगर आपने लोगों को सफाई नहीं देनी ना, फिर अल्लाह से बातें करते हैं, अपना दुख दर्द तकलीफ़ें जो है अल्लाह के आगे रखते हैं, अल्लाह को गवाह बनाते हैं और बयान करते हैं अपना दुख दर्द। खैर कहती है कि शायद कि मेरा कोई हक नहीं डीडी पे, सफाई भी नहीं दी और बोला भी कि शायद मेरा कोई हक नहीं है डीडी पे, मैं आज के बाद उसे कोई काम नहीं कहूँगी, उसे कोई काम नहीं कहूँगी। आज सुबह सासू माँ से जो है रिक्वेस्ट करूँगी मैं, हैं हाँ आज सासू माँ से रिक्वेस्ट करूँगी कि आज सुबह, अच्छा ये बोल के मेरा मुझे लगता है इसने कट कर दिया बीच में। फिर कहती है कि आज सुबह उन्होंने आके बोला कि तुम जाओ नीचे, वो तुम्हें बुला रहा है। पता नहीं अजीब सा मतलब कुछ बातें कर रही थी। फिर कहती है कि सासू माँ से जो है रिक्वेस्ट करूँगी, फिर उन्होंने सुबह उन्होंने आके बुलाया तो अगर मैं ना जाती तो पुरानी बातें शुरू हो जाती हैं, इसलिए मैंने मुंह भी नहीं धोया था और सलाम किया जाके तो हम बाहर गए तो उसने कहा हम मार्केट जा रहे हैं, डीडी ने कहा हम मार्केट जा रहे हैं, तो मुझे पता चला कि ओ हम कपड़े लेने जा रहे हैं, मतलब इसने मुझे पहले तैयार करवाना था, उसके बाद ये हो ही नहीं सकता, वो बंदा जिन्ना तेरे थल्ले लग गया इन्ना ते हांडी नहीं थल्ले लग दी तो खैर मेरी लाइव में बैठे थे तो मेरे हस्बैंड जुगल सुना रहे, कह रहे कि ये हम कहीं जा रहे थे तो नौशी मेरी अम्मी को कहती है अम्मी अम्मी दाल देखना लग ना जाए, ख्याल करना दाल का लग ना जाए, कहती मेरी सास कहती मेरे बेटे का भी बड़ा ख्याल रखा था आगे आप ही समझ जाओ। खैर कहती मुझे बाद में पता चला कि कपड़े लेने जा रहे हैं तो मैं उसे मना भी नहीं कर सकती थी, मुझे कोई कपड़े नहीं चाहिए। लेकिन खैर तीन चार दिन पहले की मैं बात बता रही हूँ, बस अपने बच्चों के साथ खुश रहे, अल्लाह उनको आबाद रखे शाद रखे, और मैं जब कपड़े सिल के आ जाएंगे तो दिखाऊंगी उसको, उसको एक्सपोज करूंगी, उसको एक्सपोज करूंगी। ये हस्बैंड के ऊपर टोंट मार रही है, ये हस्बैंड पे सारा रिएक्शन दिया है, और यहाँ पे डूडू की आंखें बिल्कुल बंद हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं बोलता, वो सीधा सीधा एक्सपोज कर रही है बंदे नू, कहंदी के भाई मैं जड़ा है मैनू लै के गया बाजार तो सूट लै के दिता इन्हें मैनू, और फिर जो है वो अब सिल के आएगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी और वो कितना महंगा है, हद है भाई हद है कितना महंगा है। ये सुनिए ज़रा, अब मेरी बात गौर से सुने, आपका हस्बैंड आपको कपड़े लेके दे रहा है, आप लोगों को आके बता रही हैं कि आपको बताऊंगी कि वो कितना महंगा है, उसका सारा बिल दिखाऊंगी, सारा बिल दिखाऊंगी। अपने घर के मर्द को आप जो है एक्सपोज करेंगी कि ये देखो लोगों के सामने रखेंगी कि इसने मुझे हल्के कपड़े लेके दिए, इसने जो है मुझे मेरी पसंद के कपड़े नहीं लेके दिए, हालांकि आप खुद साथ गई थी, ना लेती फिर जिद कर लेती मैं लेती ही नहीं हूँ, ठीक है। और मैं इतना कहती हूँ कि जितनी चादर हो ना उतने पाँव फैलाने चाहिए, क्या ख्याल है, जितनी चादर है ना आपकी उतने पैर फैलाएं, ऐसे ही होता है ना, अच्छा जितनी आपकी हैसियत है आप उस मुताबिक चलें, आप दुनिया से एक्स्ट्रा क्यों चलते हैं भाई, मुझे ये समझ ही नहीं आती लोगों की। ऐसे कहती आज भी उन्होंने बोला दो सूट और ले लो, मैंने रोक दिया, पता ही नहीं चलता एक बोलना क्या चाह रही है बाजी, कहना क्या चाहती हो अच्छा फिर कहती है
मैंने उसे रोक दिया है, कहती बिल दिखाऊंगी आप लोगों को, फिर कहती बिल दिखा दूंगी, और मैंने जो है जो पहले सूट सिल के आएगा, मैंने जो है रोक दिया है सूट के बारे में। बाकी मैंने उसे कहा है निकाह वाला सूट पहनूंगी, नदीम को सूट जो दिया है वो भी सिल के आ जाएगा ना, सारी डिटेल आप लोगों को दूंगी। बाकी टिकट की बात कह रहा था कि करवा के देता हूँ, तो मैं चुप हो गई और फिर मैं नदीम को सूट दे के वापस आ गई। मुझे डीडी से शिकवा नहीं, उसे पता है मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, उसे सारा पता है, नहीं करता है कोई एक्सेप्ट, ना कोई मुझे पसंद करता है। तो जिस तरह उसने गोलियां खाई थी, उसी तरह आप लोगों को बताए आके कि आपने क्यों गोलियां खाई हैं। बेशक मेरा ही नाम ले ले, बेशक मेरा नाम ले, लेकिन देखिए आपकी बातें जो होती हैं ना वो ब्लैकमेलिंग वाली होती हैं, आप जो कर रही होती हैं, आप अपनी बातों पे गौर करें, आप क्या बोल रही होती हैं बाजी। आप कह रही हैं इस बंदे ने मुझे सूट लेके दिया, और फिर आप कह रही हैं हल्का सूट लेके दिया, बिल दिखाऊंगी तुम लोगों को, फिर कह रही हो दो सूट उसने कहा और ले लो, मैंने वो अभी रोक दिया है, मैं क्या मैं नहीं लेना, मैं निकाह वाला सूट पावांगी। तो उसके बाद फिर कह रही है कि इसने जो गोलियां खाई हैं इससे पूछो किसकी वजह से खाई हैं, वो तो फातिमा ने बता दिया है, वो तो उसने बोल दिया कल के ब्लॉग में कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा है कि तूने मेरे जो है एटीएम वाली बात को क्यों क्लियर किया। भाई कौन लोग ने, कौन है ये लोग बाजी। अच्छा कहती है इसको चाहिए ये आए और बताए किसके लिए खाई है, इसको बताना चाहिए पब्लिक में आके बोले। बाकी मुझे पता है आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरी कोई बात सच्ची नहीं लगती आप लोगों को, डीडी की जान को मेरे से खतरा है, ये एक दो लोगों के कहने से कुछ भी नहीं होता। ये आपका हस्बैंड आपके साथ है जब, तो आप लोगों से क्यों शिकवे कर रही हैं, आपने ज़िंदगी अपने हस्बैंड के साथ गुजारनी है, लोगों से गुजारनी है, आप चुपचाप के गुजारें यार, मैं हैरान हूँ। दुनिया से क्या लेना देना, इनको दुनिया की परवाह नहीं होनी चाहिए, आप अपने रिश्ते देखें, आपके साथ आपका हस्बैंड सही है तो आप लोगों की क्यों परवाह करती है दो चार कमेंट की। अच्छा आप लोगों ने तो उस टाइम भी परवाह नहीं की ना, आपने उस टाइम दुनिया से पूछ के नहीं की थी शादी, आप लोगों ने मोहब्बत जो की थी दुनिया से पूछ के नहीं की थी। कहती है कि जब से इसकी ज़िंदगी में ये औरत आई है उसी की वजह से हरकतें जो है इसकी ऐसी हैं, वो नहीं बदल रहा, मतलब वो गोलियां खाता है, ये कहा जा रहा है कि भाई वो गोलियां छोलियां खाता है। अन्नी रह लंग टू बेचारा डड्डू जो ना हमें तो भुला देते हैं हमारा बाजी। तो कहती हैं कि जो है पहले तो ये हरकतें ऐसी नहीं करता था, गोलियां चोलियां मतलब नहीं खाता था, अब जब से तू इसकी ज़िंदगी में आई है तो फिर ये गोलियां खाने लगा है। भाई ये तो हकीकत है, क्योंकि उनकी जो ऑडियंस अगर पुरानी भी है ना तो वो गवाही देगी, ऑडियंस गवाही देगी, उनके रिएक्शन ऐसे नहीं होते थे ना, उनके व्लॉग ऐसे थे, वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डेली सोचता था कि मैं कौन सा कंटेंट बनाऊँ, घूम फिर के वीडियो शीडियो बनाते थे, बच्चों को बीवियों को मतलब हर दूसरे दिन मार्केट ले जाना, उनको खिलाना पिलाना, वो अलग से एक अपना फैमिली व्लॉग बना के चलते थे। अब तो हम तो ना इधरों का रह गया वो ना उधरों का रह गया, कोई समझ नहीं आती। तो ये तो हकीकत है, गोलियां तो आपकी वजह से लगी हैं, वो आपकी बहन ने आपकी गवाही खुद दी है कि मेरी बहन ऐसी है, ठीक है, कि वो ऐसी हरकतें करती है। जब वो आपने सिर पीटा था, पहले आपने हस्बैंड पे इल्ज़ाम दिया था कि इसकी वजह से हुआ है, फिर बाद में आपने बहन के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया था कि मेरी बहन की वजह से मैंने ये किया था। अच्छा फिर जो है कहती है मुझे जो है यहाँ कोई सफाई नहीं देनी है, इसने फिर सफाई की बात की है, सारी बातें करके एंड पे कहती है मुझे यहाँ कोई सफाई नहीं देनी। हाय और अब्बा मैं तो समझ रही थी तुम सफाई दे रहे हो, थोड़ी सफाई दे चक्कर मैं तो अपने घर की सफाई नहीं की भाजी, इंज ना करो, ये जुल्म ना करो गजनी, ये जुल्म मत किया करो, मैं तो समझ रही थी आप सफाई दे रही है, आपकी सफाई के चक्करों में मैंने घर की सफाई नहीं की जी, हुणे मेरी सस तो मैनू कुट पै जानी है।
तो चलो बच ठीक है, आप जब सफाई दें तो लाजमी बताइएगा, फिर मैं अपने घर की सफाई पहले ही करके बैठ जाऊंगी, फिर आपकी बात सुनूंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके साथ मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय।